दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल क्लिनिकल गुरु में। मैं चेतन, आज हम देखेंगे कि क्रिएटिनिन टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो कैसे लगाया जाता है। मेरे पास ये यूरो का एक किट है जो मैंने कल ही बुलाया था। इससे देखेंगे कि हम एक ये मशीन पे हमें ये इसका प्रोग्राम करना है, तो इसका स्टैंडर्डाइज कैसे करना होगा देखेंगे। देखिए ये क्रिएटिनिन का टेस्ट किट है, हम इसे 500 माइक्रो इसमें निकालेंगे दो ट्यूब में। एक ट्यूब में हमें लगाना होगा स्टैंडर्ड और एक ट्यूब में लगाना होगा स्टैंडर्ड एज सैंपल। फिर से हम दूसरे ट्यूब में भी 500 माइक्रो सैंपल ले लेंगे। हमने दोनों भी ट्यूब में 500 माइक्रोलीटर सैंपल ले लिया है। मैंने पहले से ये जो किट का जो प्रोग्राम है वो पाँच नंबर के पेज पे सेट कर दिया है कि यहाँ पे क्रिएटिन का प्रोग्राम है, एंटर कर लेंगे। अभी देखिए मशीन कह रहा है कि एस्पिरेट द वाटर, मशीन को हमें वाटर मशीन एस्पिरेट करना है। वाटर हमने एस्पिरेट कर दिया है। हम अभी स्टैंडर्ड लगाएंगे, इसके लिए हमें बीपीएड को 50 से सेट करना होगा। 50 माइक्रो तक हमें भी बीपीएड सेट कर लिया है। 50 माइक्रो हमें इसमें स्टैंडर्ड लेना है। ये क्रिएटिन का स्टैंडर्ड है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 2 mg पर डीएल है। मशीन पे भी स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 2 पे सेट किया हुआ है। और इसमें से 50 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड ले लेंगे और हमें ये स्टैंडर्ड इसमें ऐड करना है। 50 माइक्रो में सैंपल इसमें ऐड कर दिया है, इसको ऐसे हमें मिक्स करना है और मशीन में ऐसे इसे लगाना है। देखिए मशीन में काउंटिंग शुरू हो गया है। पहला लैप चालू है, पहला लैप 30 सेकंड का है और दूसरा जो लैप है वो 90 सेकंड का है। देखिए नया फैक्टर आ गया है इसमें 35, हम इसको यस करके सेव कर लेंगे। इसे यस करना है, यस करने से ये सेट हो जाएगा इसमें। हो गया, हमें अभी स्टैंडर्ड एज ए सैंपल लगा के देखना है। हमें अभी इसमें से 50 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है और स्टैंडर्ड एज ए सैंपल हमें लगा के देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। ये सैंपल एस्पिरेट कर लेंगे।
देखिए इसमें जो एकदम करेक्ट स्टैंडर्डाइज हो गया है हमारा 2.0, और इसका स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन भी 2 ही है, यानी एकदम हमने जो स्टैंडर्डाइज किया है सैंपल एकदम बराबर हमने किट को स्टैंडर्डाइज किया है। अगर आपको हमारे मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।